जैसे जैसे समय बदल रहा है, वैसे ही हमारे पास हर एक चीज का रिप्लेसमेंट भी देखने को मिल रहा है। हर फील्ड में हम मॉडर्न होते जा रहे हैं। पहले लोग राख में मिला देने की बात करते थे, आज वही राख से लोग अपना घर बना रहे हैं। जी बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं सेमी ऑटोमेटिक AAC ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग की, यानी ऑटोक्लेव एरेटेड कॉन्क्रीट। तो चलिए जानते हैं कि ये होता क्या है। AAC आम ईंटों की जगह इस्तेमाल किया जाता है और इन ईंटों की डिमांड इंफ्रास्ट्रक्चर में, खास करके हाउसिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि AAC किफायती होने के साथ साथ इको फ्रेंडली, हल्के, आकार में बड़े और काफी मजबूत होते हैं। और इतना ही नहीं, AAC ब्लॉक्स सुपर हीट, फायर, साउंड और पेस्ट रेजिस्टेंट भी होता है। इन ब्लॉक्स का निर्माण इको फ्रेंडली तरीके से थर्मल पावर प्लांट की राख को इस्तेमाल करके बनाया जाता है। इसके भूकंप प्रतिरोधी होने की वजह से AAC ब्लॉक्स को विदेशों में तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं सेमी ऑटोमेटिक AAC ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग की पूरी जानकारी इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ। ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के सेटअप के लिए आपको कुछ मशीनों की जरूरत पड़ेगी, जैसे बैचिंग पैनल, डीमोल्डिंग मशीन, वर्टिकल कटिंग मशीन, हॉरिजॉन्टल कटिंग मशीन, बॉयलर, ऑटोक्लेव, स्लरी पंप, मिक्सचर पंप, लाइम मोटर, सीमेंट मोटर। इन मशीनों में डलने वाले रॉ मटेरियल जो पड़ेंगे वो होंगे फ्लाई ऐश, लाइम, जिप्सम, सॉल्युबल ऑयल, सीमेंट, अल्यूमिनियम पाउडर हार्डनेस। इस बिजनेस को करने के लिए आपको 20 लेबर, 2 ऑपरेटर और 2 हेल्पर के साथ 10,000 स्क्वायर मीटर एरिया की जरूरत होगी। अब जब सब कुछ आपका तैयार है तो हम चलते हैं इसके प्रोसेस की तरफ। AAC ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे पहले फ्लाई ऐश में पानी मिलाकर स्लरी बनाते हैं। उसके बाद रॉ मटेरियल को स्लरी टैंक से बैचिंग पैनल तक इलेक्ट्रॉनिकली भेजा जाता है। एक मोल्ड में 900 केजी फ्लाई ऐश, 50 केजी लाइम और 90 केजी सीमेंट होता है। इन सबको मोटर पंप से बैचिंग पैनल के मिक्सर मशीन तक पहुंचाया जाता है। इस रॉ मटेरियल को मिक्सर मशीन में 4-5 मिनट मिक्स किया जाता है। फिर 7 केजी पॉप जिप्सम, 500 ग्राम सॉल्युबल ऑयल, 500 ग्राम हार्डनेस, 350 ग्राम अल्यूमिनियम पाउडर मशीन में डालकर 2-3 मिनट मिक्स किया जाता है। अब तैयार घोल को मोल्ड में मशीन के द्वारा डाला जाता है। घोल डालने के पहले मोल्ड में तेल की एक परत पॉलिश की जाती है, जिससे AAC ब्लॉक सांचे से आसानी से निकाला जा सके। 1-1.5 घंटे बाद डीमोल्डिंग मशीन से इन मोल्ड को डीमोल्ड किया जाता है। बैचिंग के बाद हम राइजिंग के लिए 1.5-2 घंटे इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद जब ये कटिंग के पे आ जाता है, इसे हम डीमोल्ड करते हैं। डीमोल्डिंग के बाद हम वायर मशीन से इसे कटिंग करते हैं। एक वर्टिकल कटिंग होता है, एक आगे हॉरिजॉन्टल कटिंग होता है। हॉरिजॉन्टल कटिंग के बाद हम लोग उसे मैन्युअली स्टैम्प करते हैं। स्टैम्प के बाद हम लोग उसे ट्रॉली के माध्यम से ऑटोक्लेव में ले जाते हैं। फिर मैन्युअली स्टैम्प लगाकर इन ब्लॉक को ऑटोक्लेव मशीन के अंदर रखा जाता है। फिर बॉयलर से स्टीम बनाकर पाइपलाइन के जरिए AAC ब्लॉक को ऑटोक्लेव मशीन में स्टीम हीटिंग द्वारा 215 डिग्री सेल्सियस तापमान में 12 घंटे बेक किया जाता है। ऑटोक्लेव मशीन से बाहर निकालकर ठंडा होने के बाद इन ब्लॉक्स को मार्केट के लिए डिस्पैच किया जाता है। अब आती है इन्वेस्टमेंट की बात। तो हम आपको बता दें कि AAC ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग के कंप्लीट प्लांट के लिए आपको 4-5 करोड़ इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी, जिसमें आपका लैंड एरिया कॉम्प्लीमेंट विद बिल्डिंग ऑफिस, 3 सेट स्टोर इंक्लूड है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो इस सेमी ऑटोमेटिक ऑटोक्लेव एरेटेड कॉन्क्रीट ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्शन अगर 52 क्यूबिक मीटर पर डे है तो सारे एक्सपेंस को निकालने के बाद भी आप लगभग 15,000-20,000 का मुनाफा एक दिन में कर सकते हैं। इस हिसाब से अगर प्लांट 25 दिन काम करे तो आपको लमसम 4.5-5 लाख तक का मुनाफा हो सकता है। ऑटोक्लेव एरेटेड कॉन्क्रीट ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए आपको GST रजिस्ट्रेशन, फैक्ट्री लाइसेंस,
NOC फ्रॉम पॉल्यूशन डिपार्टमेंट, उद्योग आधार लाइसेंस की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास ये सारी चीजें उपलब्ध हैं, तो आप भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। IID आपको इस बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन देगा। IID से जुड़ने के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर भी विजिट कर सकते हैं।